Welcome back, dear students. In the fifth part of previous year question series of quantum chemistry, in this video lecture we will discuss the previous year question related to Schrodinger wave equation. So let's come.

फोर्स आता है ठीक है तो देखिए तो आप जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो जैसे आप स्टैंडिंग वेव इक्वेशन के को एक्सप्लेन करते हो क्योंकि आपने उसको क्या मान लिया स्टैंडिंग वेव तो यू कैन सी द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय एन इक्वेशन सिमिलर टू सिमिलर टू स्टैंडिंग वेव सिमिलर टू स्टैंडिंग वेव लाइक उसके लिए स्टैंडिंग वेव के लिए इक्वेशन क्या होती है स्टैंडिंग वेव के लिए इक्वेशन आपके पास है साई इज इक्वल टू ए साइन टू पाई एक्स बाई लेटा ठीक है ये आपके पास होती है जिसके अंदर गिवन वैल्यूज क्या क्या होती है भाई देखिए जो आपके पास साई है दैट इज द वेव फंक्शन साइकेस को रिप्रेजेंट करती है वेव फंक्शन को या बोल सकते हो एम्प्लीट्यूड ऑफ द वेव एम्प्लीच्यूड ऑफ वेव, एम्प्लीट्यूड ऑफ वेव ए क्या है आपके पास कांस्टेंट है ठीक है एक्स क्या है आपके पास डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट इन गिवन डायरेक्शन जिस भी डायरेक्शन में दिया हो एक्स वाई जेड ठीक है एंड दिस वन इज द लैम्डा दैट इज द वेवलेंथ ठीक है अब देखिए यदि हम इस इक्वेशन का क्या कर देते हैं डबल डिफरेंशिएशन करते हैं ऑन डबल डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे हम इसे क्या बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट दिस वॉज इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट का यदि डबल डिफरेंशिएशन करते हो आप तो आपके पास क्या आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो इसका सिंगल डिफरेंशिएशन सिंगल डिफरेंशिएशन में क्या बनता है आपके पास डी साई अपॉन डी एक्स

तो इसके आपके पास क्या आ जाता है देखिये फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो आपने लिखा है उसमें आपने लिखा है की जो ए है दूसरा सॉरी दट इज इक्वल टू ए साइन टू पाई एक्स बाई लेडा ठीक है तो इस पूरी टर्म्स की जगह हम क्या लिख देंगे दैट इज इक्वल टू साई ठीक है तो आपके पास जो डबल डिफरेंशिएशन आता है दैट इज डबल डिफरेंशिएशन क्या हुआ डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाकी जो थी वो किस में कन्वर्ट हो गया साई के अंदर कन्वर्ट हो गया ठीक है इसको आप इक्वेशन नंबर नाम देंगे टू ओके दिस वन यहां तक था आपके पास स्टैंडिंग वेव की तरह मैंने उसको रिएक्ट करवाया और उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया इलेक्ट्रॉन्स की जो जो इक्वेशंस थी उसको किस इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन करवाया नाउ देखिए जब आप काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो ठीक है यदि आप क्या करते हो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो किसी भी पार्टिकल की तो वो क्या होती है आपके पास हाफ एंगुलर यदि मैं क्या करूं ऊपर और नीचे मतलब टॉप एंड डाउन में क्या करूं एम से मल्टीप्लाई और एम से ही डिवाइड करूं तो आपके पास क्या हो जाएगा एम स्क्र अपॉन एम एम स्क् तो ये आपके पास क्या हो जाता है दिस वन इज एम ठीक है अब देखिए यदि आप डिब्रोगली इक्वेश को देखते हैं ठीक है अकॉर्डिंग टू डिब्रोगली जिसने क्या बोला था नेचर ऑफ मैटर बोला था तो डी बगलिक के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होता है लेमडा की वैल्यू होती है एच बाई एम वी ठीक है यदि यदिडा का डबल डिफ्रेंशिएशन करवा दिया जाए तो क्या हो जाएगा डबल स्क्र करवा दिया जाए तो क्या हो जाएगा एच स्क्र अपॉन एम स्क्र वी स्क्केयर ठीक है अब देखिए यदि हम इस वैल्यू को क्या किसमें रख देते हैं एम स्क्र वी स्क्र यहां से एम स्क्र v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास किसके बराबर हो जाएगी एस स्क्र अपॉन लेमडास्केर ठीक है तो हम इस एम स्क्र वी स्क्र की वैल्यू को काइनेटिक एनर्जी के अंदर पुट करेंगे ठीक है देन हम क्या करेंगे एम स्क्अर वी स्क्र की वैल्यू आपको मिल गई है देन आप क्या करोगे लेमडास्क्र की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे दोनों को काइनेटिक एनर्जी की ट्रम में रख के फिर हम नेक्स्ट प्रोसीड तो देखिए हमने क्या बोला है आपके पास कि की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे तो की कहां से में आपको क्या मिल चुका है इसको मैं क्या करती हूँ काइनेटिक एनर्जी के अंदर करती हूं. तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या थी हमने लिखा है एम स्क्र वी स्क्र अपॉन एम ठीक है तो आपके पास क्या हो जाता है ये वैल्यू होगी वन बाई टू एम और एम स्क्र वी स्क्र की जगह क्या आ गया है एच स्क्र बाई ले स्क्र ठीक है अब इस लेमडास्वे की वैल्यू और फाउंड आउट कर लीजिए और इसको क्या कर दीजिए यहां पर लिख लीजिए तो आप इसकी वैल्यू कहां से फाइंड आउट कर सकते हो इसकी इक्वेशन से आप सेकेंड इक्वेशन से इसको फाइंड आउट कर सकते हो सेकंड इक्वेशन आपके क्या थी जब आपने डबल डिफ्रेंशिएशन किया था ठीक है डबल डिफ्रेंशिएशन जो किया था उसमें क्या था आपके पास डी स्क्न डी एक्स स्क् ठीक है उसके अंदर आपने क्या लिखा है माइनस एच माइनस फोर पाई स्क्र अपॉन लेमडा स्क्र साइन ठीक है तो आप यहां से क्या करेंगे लेमडा स्क्वेयर की वैल्यू को फाइंड जो है निकाल लीजिए ले लेमडा स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास लेमडा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस फोर पाई स्क्र अपॉन डी स्क्र साई डी स्क्र साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर ठीक है अब इसकी वैल्यू भी आप किसको किसके अंदर पुट कर दीजिए जो आपके पास स्क्वायर की वैल्यू आई है उसको भी किस में पुट कर देंगे हम काइनेटिक एनर्जी में तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आती है ये आपको याद रखना है कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी वन बाई टू एम देन एच स्क्वेयर और ये सारी वैल्यू लेमडास्वेयर की वैल्यू क्या है आपके पास लेमडास्वियर इज इक्वल टू तो फोर पाई स्क्र फोर पाई स्क्र साई ठीक है फोर पाई स्क्र साई इनटू डी स्क्र साई अपॉन डी एक्स स्क्र ठीक है या आप इसको पूरा कंप्लीट करके लिख सकते हो दैट इज वन बाय एट वन बाय एट एच स्क्र ए एट, एट का आ चुका है आपके पास तो एट पाई स्क्र एम साई Into इन psi upon d x square. ठीक है? तो अब देखिए आपके पास हमने बोला कि काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू माइनस दिस वन इज माइनस बिकॉज आपके पास माइनस में रखी जाएगी वैल्यू तो यहाँ पर माइनस ही आएगा तो आप बोलेंगे कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी की क्या आई है वैल्यू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है आपके पास माइनस एस स्क्र एट डी डी अपॉन ठीक है एक वैल्यू आपके पास काइनेटिक एनर्जी की आती है लेकिन आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपके पास काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं हम बोलते हैं कि आपके पास जो टोटल एनर्जी होती है टोटल एनर्जी होती है ठीक है उसके अंदर से यदि पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दे तो क्या आ जाती है काइनेटिक एनर्जी क्योंकि आपको पता है टोटल एनर्जी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो, 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 तो काइनेटिक एनर्जी को निकाल लीजिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी से माइनस होगी तो, तो, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी तो अब आपने ये देखा कि देखिए आपके पास टू थिंग निकल के आई है कि एक तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपके पास एक होगी टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी और एक वैल्यू आपके काइनेटिक एनर्जी की ये आती है ठीक है तो आप क्या कर सकते हो इसको लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी की जगह वैल्यू पुटअप कर दीजिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है ठीक है? तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएंगी यहाँ पर एनर्जी टू माइनस एच स्क्ट पाई स्क्वायर एम साई इंटू डी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी क्या है ई पोटेंशियल एनर्जी ठीक है तो ये आपके पास ई माइनस वी हो जाता है ठीक है ना यदि आप क्या करते हो यहाँ से साई और की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास अपॉन डी एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस एट फाइव स्क्र एम अपॉन एच स्क्र इन क्या आ जाता है आपके पास काइनेटिक एनर्जी इन क्या आ जाएगा साई ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी ये आपके पास क्या हो जाता है डी स्क्र अपॉन डी एक्स ओके तो आप टोटल क्या करके दोगे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख दीजिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा ए माइनस वी तो टोटल आप क्या निकाल सकते हो यहाँ से आप निकाल सकते हो डी स्क्र साई अपॉन देन आपके पास क्या आ जाएगा इन टू ए ठीक है टोटल ये आ जाता है आपके पास यदि आप यहां से इसी का सम ले लेते हैं इसको इक्वल टू जीरो रख देंगे ठीक है यदि इसको किसके इक्वलेंट रखते हो जीरो के इक्वलेंट रखते हो देन आपके पास क्या आ जाएगा इक्वेशन आपके पास बन जाती है डी स्क्र साई अपॉन d एक्स स्क्र प्लस एट पाई स्क्र दिस वन इज एट एट पाई स्क्र एम अपॉन एच स्क्र ई माइनस पोटेंशियल एनर्जी साई क्वल टू जीरो देखिए ये जो वैल्यू आई है ये एक्स एक्सिस के अलोंग आई है ठीक है ऐसे ही आप वाई एक्सिस के अलोंग निकालेंगे और ऐसे ही आप क्या करोगे जड एक्सिस के अलोंग जो है है वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे ठीक जब आप तीनों डायरेक्शन के अलोंग करते हैं तो आपके पास कैसे तीनों डायरेक्शन के अलोंग यदि आप निकालेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा डी स्केर देन वाई के अलोंग निकालेंगे तो डी स्केयर Then, D square psi upon D z square. Then, आपके पास क्या है वैल्यू है एट पाई स्क्र एम अपॉन एच स्क् माइनस वी साई इज इक्वल टू जीरो जो इक्वेशन थी दैट इज दर वे इक्वेशन ठीक है इसके अंदर यदि यहां पर हम क्या करें इन इस ट्रम्स की जगह इस ट्रम की जगह दिस वन नॉट अपोर दिस ये जो आगे की ट्रम्स हैं इसके लिए यदि आप क्या रखते हो यहाँ इसके लिए यदि ये जो है इसकी जगह आप एक वैल्यू पुट कर सकते हो इज़ डेल डेल साई ठीक है पे जो है दैट इज द लेपलेशन ऑपरेटर लैपलेशियन ऑपरेटर है तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशंस क्या बन सकती है ये भी बन सकती है डेल साई प्लस एट पाई स्क्र एम अपॉन एच स्क्र ए माइनस वी साई इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन होती है, 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 है। मेनली आप इसको याद कैसे रखेंगे कि आपने एक इक्वेशन ली है स्टैंडिंग वेव के लिए ठीक है दैट इज ए साइन टू पाई एक्स बाई लैमडा ठीक है ये आपने ली इसका डबल डिफरेंशिएशन किया फर्स्ट स्टेप क्या है डबल डिफ्रेंशिएशन डबल डिफ्रेंशिएशन के बाद आप क्या करोगे आप सेकंड स्टेप में जाओगे काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर एम स्क्र वी स्क्र की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और लेमडा स्क्र की वैल्यू जो फाइंड आउट कीजिए लेमडा स्क्र की वैल्यू आपको कहां से मिलेगी डबल डिफ्रेंशिएशन से जो वैल्यू आती है वहां से दोनों की वैल्यूज को काइनेटिक एनर्जी में रखिए आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकलेगी ठीक है उस काइनेटिक एनर्जी को और जो टोटल हम काइनेटिक एनर्जी जनरली देखते हैं दैट इज ई माइनस वी दोनों को कंपेयर कीजिए और वहां से आपके पास क्या आ जाएगा स्कॉर्निंगर वेव इक्वेशन जो है किसी भी एक डायरेक्शन में आएगा आप तीनों डायरेक्शन के लिए वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो